स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? बेटा यस मैम, वालेकुम सलाम। ये आप इतनी स्ट्रेंथ आज कम क्यों है? आपका है ग्रुप व्हाट्सएप वगैरह, तो वहाँ स्टूडेंट्स से कहें ज्वाइन करें क्लास। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वेटिंग आ रहा लिखा हुआ। बेटा आपने फिर कैसे ज्वाइन किया अगर वेटिंग आ रहा है? मैम पता नहीं वो क्यों कह रहे हैं। मैम जो LMS पे है ना, वो उनका वो ज्वाइन करें क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप वाला लिंक ज्वाइन किया, वहां पे वेटिंग लिखा हुआ आता है। आपके समझ नहीं आई क्या कह रहे मैम? अब वो हमने लिंक सेंड कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में, वो ज्वाइन करने लगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, वो लेक्चर 8 जो है वो अपलोड नहीं है LMS के ऊपर। बेटा नाम बताएं लेक्चर का। हम लेक्चर 8 इंट्रोडक्शन टू सिटी स्कैन, वो गूगल ड्राइव पे है। गूगल ड्राइव पे है? हाँ जी मैम, ने गूगल ड्राइव पे लिंक दिया हुआ है। चलो ठीक है, यहाँ पे भी अपलोड किया हुआ, मैं चेक कर लेती हूँ। मैम गूगल ड्राइव पे एक्सेस का इशू आ रहा है, मैंने भी आपको इस बारे में ईमेल की थी, वो एक्सेस नहीं हो रहा लेक्चर 8। LMS में तो बच्चों ये अपलोड है, ये देखिए आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये देखिए इंट्रोडक्शन टू सिटी। हम स्क्रीन नहीं नजर आ रही। ये देखें ये कौन सा लेक्चर अपलोडेड है, इंट्रोडक्शन टू सीटी, इसको क्लिक करें। ये लेक्चर पड़ा हुआ है, ये रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आप लोग लेक्चर पे। लेकिन मैम एक्सेस नहीं आ रहा, मैंने अपनी UMT ईमेल आईडी से ही की है, मैंने रिक्वेस्ट एक्सेस भी की है, फिर भी नहीं आ रहा। बच्चे अगर आपको ड्राइव पे लिंक नहीं मिल रहा तो आप LMS पे देख लेना, LMS पे देख लें। मैम LMS से ही की है लेकिन वो एक्सेस डिनाइड आ रहा था। फिर आपके LMS से कोई प्रॉब्लम है, आपका पोर्टल ब्लॉक होगा, देखिए उसको चेक करें। आप लोगों को एक्सेस हो रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ बच्चों। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपकी ही यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर कुछ कोई लेक्चर आई थिंक 3 MB से एक्सेस करता है, जो है ना एक्सेस करता है, तो वो फिर आपका जो है ना वो LMS पे उसका प्रॉब्लम आता है। इसीलिए ही मैंने दो ऑप्शंस बनाए हुए, एक ड्राइव का बनाया हुआ है और एक LMS का बनाया हुआ है, कि अगर आपको कोई LMS पे नहीं मिलता तो ड्राइव पे करना है, ड्राइव पे नहीं मिलता तो LMS पे करना है। तो बेटा PPT भी आपके ड्राइव पे है ना? उसे क्या हो रहा है? नहीं आता आपको? क्यों? एक भी ये बात क्यों मैंने सुनी थी? ऐसे क्यों होता है बच्चों? Excuse me ma'am. Excuse me ma'am. मैम जी। बेटा मैम आपने जो असाइनमेंट दी हुई थी वो जो एक्सरेज हमने लेबल करके PDF बना के LMS पे अपलोड किए हैं जी मैम, वो मेरी ना पिक्चर्स थोड़ी सी ना ब्लर हो गई थी, अगर मैं इसको दोबारा मतलब मैं इसको अपलोड कर सकती हूँ वहाँ पे LMS पे? बेटा लेट सबमिशन आएगा, आप देख लें, लेट सबमिशन ऑलरेडी मैंने 1% आपका डिडक्ट करना है जिन जिन बच्चों ने लेट सबमिट करवाया है। मैम वैसे मैंने टाइम पे सबमिट करा दिया था, लेट मेरे सबमिट नहीं, अगर मैं आपको मेल कर दूं सही क्लियर पिक्चर्स? बेटा नहीं, जो आपने पुरानी सबमिट कराई हुई है उसी को मैं कंसीडर कर लूंगी, ठीक है? या आपको पहले कितने दिन मिले हुए? 15 days मिले हुए ना, उसमें आपको ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कि आपके इमेजेस ब्लर हैं? अच्छा जी बच्चों, आज हमारा 15 लेक्चर है विच इज अबाउट द अल्ट्रासाउंड। मुझे आप लोग बताएं, आप लोगों ने इलेक्ट्रो 2 पढ़ी हुई है? पढ़ रहे हैं अभी आप लोग? अच्छा अल्ट्रासाउंड पढ़ा, ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में है डिस्कस किया था, ठीक है। मैंने आपको कुछ शोल्डर और नी से रिलेटेड पैथोलॉजीज बताई थी, कॉमन पैथोलॉजी जो कि आपको
MRI पे मिलती हैं या वो पैथोलॉजीज जो कि हमें जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें उसको MRI को जो है वो रेफर करना होता है, ठीक है। फिर बच्चों मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है आपकी उसमें अगर कोई भी जो कॉमन पैथोलॉजीज हमें मिल रही होती है, डिस्क प्रोलैप्स होता है, एक्सक्लूजन होता है, डिस्क बल्ज होता है, ठीक है, तो वो अगर आप MRI पे देखो तो आपने उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमें अगर हम देखें कि हमारी जो स्पाइन है जिसमें सर्वाइकल रीजन है, आपका थोरेक्स है और लंबो सेक्रल रीजन है, अगर हम देखेंगे हमें वो क्लियर कट किस पे MRI पे किस सेक्शन में हमें इमेज का क्लियर नजर आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सेजिटल सेक्शन जो है वो हमें एक क्लियर इमेज देता है हमारी पूरी स्पाइन का, ठीक है। फिर बच्चों मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी और उससे मैंने आपको बताया था कि आपने लेबल करना जो है वो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको कोई डिस्क बल जाएगा तो पेशेंट की प्रेजेंटेशन इज अनदर थिंग, बट जब आप MRI कराते हो तो फिर आपने उसको मजीद रूल आउट करना होता है कि ये किस लेवल के ऊपर है, ठीक है। या जब मैं आपको कोई भी जो है वो केस सिनेरियो बना के दूंगी तो मैं आपको एक इमेज MRI के साथ अटैच करूंगी, ठीक है, और मैं आपको कहूंगी कि ये पेशेंट की ये जो है वो प्रेजेंटिंग कम्प्लेन है, ठीक है, और आप इस MRI देख के बताओ कि ये L4 L5 के लेवल पे है, L1 L2 के लेवल पे है, किसके लेवल पे है, ठीक है। तो आपने उसकी वो जो लेबलिंग है, वो जो नंबरिंग है, वो आपको सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबोसेक्रल तक की आइडिया होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। जी बच्चे, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, बेटा आप लोग लेक्चर पढ़ते नहीं है ना? मैम पढ़ा था। चले, टुडे हार्ड डिस्कशन टॉपिक इज अबाउट द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रो 2 में अल्ट्रासाउंड बच्चों पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसमें आपने देखा होगा जो आप लोग पढ़े हैं दैट इज बेसिकली द थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। हमारे पास दो तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक और एक होता है हमारे पास थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। अब आप सब बच्चों ने जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है वो अक्सर देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स करा रही होती हैं, ठीक है, ज्यादातर आपने वही देखा होगा। बट जो है वो अब हमारे कुछ आई थिंक लास्ट 4 to 5 ईयर से जो है वो मस्कुलोस्केलेटल डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड भी जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। जो आपकी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं, जैसे कि हमने MRI करवाया है किसी टीयर को देखने के लिए, ठीक है, तो वो सेम टीयर हमें अल्ट्रासाउंड भी जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। वो सेम अगर कोई लिजन है, कोई मसल के अंदर कोई फाइबर टीयर हुए हुए हैं, ठीक है, कोई टेंडिनोसिस हुआ हुआ है, कोई ज्वाइंट के अंदर कोई इफ्यूजन आई हुई है, तो वो सारी कंडीशंस आप जो है वो रादर देन के MRI की तरफ जाए सॉफ्ट टिश्यूज के लिए हमारे पास स्पेसिफिकली क्या है, डायग्नोस्टिक MSK अल्ट्रासाउंड, ठीक है। उसका एक तो ये फायदा है कि आप लोग ऑलरेडी बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड यूज कर चुके होते हैं, ठीक है, तो आपको अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड की वेव्स, अल्ट्रासाउंड का सारा ऑलरेडी आइडिया होता है, उसके जो बेसिक पैरामीटर्स है उसका आपको आइडिया होता है, ठीक है। तो जब आप जो है वो थेराप्यूटिक से डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड पे आते हो तो चूंकि आपको पैरामीटर्स का आइडिया होता है तो आपको क्या होता है कि आप उसको अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं भी आपको कहती हूँ कि बच्चों आप जो है वो क्या कहते हैं उसको प्रेग्नेंट फीमेल का सॉरी आप अगर MRI करवाते हैं, ठीक है ना, किसी पेशेंट का MRI करें, तो अब आपको MRI की इतनी ज्यादा नो हाउ नहीं होगी, ठीक है, आपको ज्यादातर रिपोर्टिंग, ज्यादातर इमेज या जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इसी टाइप का आपको आएगा, ठीक है, आप उसको प्रॉपर मशीन की सेटिंग को सब नहीं कर सकेंगे, ठीक है। बट चूंकि आप थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड ऑलरेडी यूज कर चुके होते हैं तो इसलिए जब आप थेरेप्यूटिक से डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड पे आते हो तो बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपके लिए वो काम आसान हो जाता है, ठीक है। हम इतना ज्यादा इन डिटेल में जो है वो MSK डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड तो नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वो एक सुपर स्पेशलिटी है फिजियोथेरेपी की, ठीक है। आप जब ग्रेजुएट होकर जाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी आपके अभी तो आई थिंक शायद अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, बट कुछ अरसे तक जो है वो हमारे पास MS इन डायग्नोस्टिक मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आपने देखा है कि डिफरेंट कोर्सेज हो रहे हैं जगह जगह पे, लेकिन फिर आपको 2 साल की कंप्लीट डिग्री दी जाएगी जिसमें आप एक स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक MSK फिजियोथेरेपिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये होगा कि पेशेंट को आपको कहीं और जो है वो रेफर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज हमारे पास ज्यादातर जो पेशेंट आ रहे होते हैं वो कौन से आ रहे होते हैं, मसल्स इंजरीज के साथ, लिगामेंट इंजरीज के साथ, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के साथ आ रहे होते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको बजाय इसके कि आप उसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के लिए भी MRI रिकमेंड करें या कोई और मोडलिटी रिकमेंड करें, आप क्या करेंगे कि आपके पास क्लिनिक में MSK अल्ट्रासाउंड पड़ा हुआ है, आप पेशेंट को फटाफट उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन करें, फिजिकल असेसमेंट करें, उसके बाद आप उसके जो है वो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड करें, आपको कंफर्म हो गया, आपसे एट द सेम टाइम उसको ट्रीटमेंट दे दें, ठीक है। तो ये आप एक पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो अपना खुद ही जो है वो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हैंडल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो हम इसमें थोड़ा सा दोनों से जो है वो डिटेल पढ़ेंगे। जो थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड है अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर आप लोगों को उसमें नहीं कुछ क्लियर तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्चर में मैं आपको थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड भी जो है वो पढ़ा दूंगी।
So today we will discuss the introduction to the ultrasound, the parts of the ultrasound machine, how procedure performed. ठीक है, कोई भी आपने जब अल्ट्रासाउंड पेशेंट का करना होता है तो आप उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, वो प्रोसीजर जो होता है वो ओवरऑल वर्क कैसे करता है. जैसे हमने एक्सरे में पढ़ा था कि जो है वो हम पेशेंट को किस तरह से खड़ा करते हैं, ठीक है, या पेशेंट टेबल पे किस तरह से आपने पेशेंट को बिठाना होता है, और उसके बाद फिर किस तरह से इमेजेस आएंगे, कैसे रेस पास करेंगी, एपी व्यू के लिए क्या आपने क्राइटेरिया है, पीए व्यू है तो उसमें पेशेंट किस तरह खड़ा होगा, ठीक है. इसी तरह से अल्ट्रासाउंड में जो है वो सारा प्रोसीजर या होता किस तरह है और आप किस तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है. और उसके अलावा बच्चों लास्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या हमारे पास बेसिक यूजेस हैं अल्ट्रासाउंड के, ठीक है, जो कि मैंने भी आपको थोड़े थोड़े बता दिए हैं कि हमारे गायनी में भी आ रहा है, हमारे डायग्नोस्टिक में भी आ रहा है, ठीक है, और एमएस के डायग्नोसिस में भी आ रहा है, और जो गायनी से जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं उसके भी डायग्नोसिस में ये यूज हो रहा है. ओके, व्हाट इज जनरल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग आल्सो कॉल्ड sonography involves exposing part of the body to high frequency sound waves to produce pictures of the inside of the body. ठीक है बच्चों, अब जब हमने last जब शुरू में हमने पढ़ा था introduction to the ultrasound या introduction to the radiology, तो हमने हर पढ़ा था कि हर modality में कौन कौन सी rays use होती है, ठीक है, और तब हमने पढ़ा था कि ultrasound में हमारे पास कौन सी rays use होंगी, sound waves use हो रही होती है, ठीक है, ये तो आप लोग therapeutic में भी पढ़ रहे होंगे. So ये जो हमारे पास high frequency sound waves produce हो रही होती है, आप इसके हेल्प से डिफरेंट बॉडी के इनसाइड एरियाज को जो है वो क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं. अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन डू नॉट यूज आयनाइजिंग रेडिएशन एज इन एक्सरेज. अब आप लोगों ने, चूंकि आप लोग इंट्रोडक्शन और उससे आगे काफी सारी मोडेलिटीज पढ़ चुके हैं, अब आपको पता चल गया होगा कि कितनी सारी हमारे पास रेडियोलॉजिकल मोडेलिटीज हैं जहां पे हमारे पास क्या यूज हो रहा है, एक्सरेज यूज हो रही है, ठीक है ना. एक्सरेज इटसेल्फ में एक्सरे थी, फिर हमारे पास सीटी स्कैन में एक्सरेज थी, ठीक है, फिर हमारे पास फ्लोरोस्कोपी में एक्सरे आ गई, तो इन सब में एक्सरेज, और एक्सरेज हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है, और दे आर हार्मफुल टू द बॉडी, ठीक है, और हार्मफुल कैसे है कि वो जाके आपके बॉडी के जो जेनेटिक मटीरियल है हमारे सेल का उस पर इफेक्ट कर देते हैं, ठीक है. सो अब चूंकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड में एक्सरेज नहीं यूज हो रही, साउंड वेव्स हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये सेफ कंसिडर करते हैं. और आप देखें कि ये इतना सेफ है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आप उसको जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम इसको यूज करें, ठीक है ना, फॉलो अप के लिए, फीटस के लिए, मतलब ये रेज इतनी सेफ है कि हम फीटस को इसका एक्सपोजर बार बार जो है वो दे रहे हैं. बिकॉज अल्ट्रासाउंड इमेजेस आर कैप्चर्ड इन रियल टाइम, दे कैन हैव द स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडीज इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल एज ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स. अच्छा, अब बच्चों एक तो हमने क्या है कि ऑर्गन्स को आपने अल्ट्रासाउंड से पढ़ा, ठीक है, जैसे कि आपका जो है वो कोई अपेंडिक्स हुआ किसी पेशेंट को और आपने उसको स्टडी करना है, ठीक है, आपका कोई लिवर है उसको आपने स्टडी करना है, तो ये सारे तो स्ट्रक्चर्स होंगे. इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो मेंशन है वो क्या है, ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है, कि ब्लड के फ्लो को भी आप विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासाउंड देख सकते हैं, ठीक है. इसीलिए ही हम प्रेगनेंसी में भी इसको यूज कर रहे होते हैं, और आप देखें कि प्रेगनेंसी में फीटस को जो है वो ब्लड जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है, प्लेसेंटा से जो है वो क्या बेबी का कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है, वो सब आप इसमें स्टडी कर रहे होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी. ओके, अल्ट्रासाउंड इज अ यूजफुल वे ऑफ एग्जामिनिंग मेनी ऑफ द बॉडीज इंटरनल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, ठीक है, अभी जितने भी बच्चों सारे मेंशन हैं ये सारे हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासाउंड, ठीक है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया, ठीक है, कि हार्ट को भी आप प्रॉपर स्टडी कर सकते हो, और जितनी भी आपकी ओवरऑल बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, हमने कहीं भी देखना है कि कहीं कोई जो है वो क्लॉट तो नहीं बना हुआ, ठीक है, कहीं पे कोई एथेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं हो रहा है, जो है वो ल्यूमिनस ब्लड फ्लो जा रहा है या टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है, ठीक है, वो सारा आपने स्टडी करना है, तो उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड जो है वो हमें हेल्प कर रहा होगा, ठीक है. आप देखिए यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, यानी कि अगर आप हार्ट को स्टडी करेंगे तो एओर्टा और जितने हमारे वेंट्रिकल्स हैं, आपके एओर्टास हैं, ठीक है, सारे आपके उस तो आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं. देन बच्चों लिवर, गॉल ब्लैडर, आपने अक्सर देखा है कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर में पेशेंट का स्टोन हो जाता है, ठीक है, पेशेंट आपके पास आएगा. पेंक्रियास है, आपने किडनी स्टोन्स को देखना है, ब्लैडर को आपने देखना है, ठीक है, यूट्रस है, ओवरीज है, फीटस को आप देखते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है. उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे जो बात है वो है आईज, ठीक है, शायद आपने आईज का कभी ना सुना, लेकिन आईज का भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है. उसके लिए हमारे पास जो प्रोब होती है वो जरा छोटी सी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ, अगर सॉरी, हाँ जी, आईज का आपने सॉफ्ट टिश्यू को स्टडी करना है आईज के, ठीक है, कोई टीयर आ गया है, कोई रप्चर आ गया है तो उसके लिए. अच्छा, ये बच्चों आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ठीक है, इसका प्रोब जो है वो बेसिकली हमारे पास छोटा सा होता है, इसको आप ऑक्यूलर अल्ट्रासाउंड कहते हो,
ठीक है, और आप देखें कि वो कम्प्लीटली आपको इस तरह से आई का अंदर से इमेज जो है वो शो करते हैं, ठीक है। सो ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट, और इसका डिफरेंस हमारे पास वो है थायरॉयड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ठीक है। जब हमने शुरू में पढ़ा था तो मैंने आपको एक याद होगा क्विज था जिसमें हमने पढ़ा था कि हमने जो है वो क्या क्या कर सकते हैं आप थायरॉयड की स्कैनिंग के लिए, ठीक है, जिसमें हमने थायरॉयड अल्ट्रासाउंड भी पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा स्क्रोटम टेस्टिस ब्रेन इन इन्फेंट्स, ये भी मैंने आपको शुरू में बताया था जब हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा था कि बच्चों हम अल्ट्रासाउंड बच्चों को, वैसे हम ब्रेन का अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज जहाँ पे फ्लूड आ जाता है बहुत ज्यादा अल्ट्रासाउंड थोड़ा सा उसको इतना अच्छा इमेज हमें नहीं दे रहा होता, ठीक है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उसके लिए हम MRI या CT की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, 1 ईयर से कम वाले जो बच्चे हैं, उन सब में हम प्रेफर करते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज करें अगर हमें कोई भी पैथोलॉजी जो है वो उसको स्टडी करना है, ठीक है। जो अल्ट्रासाउंड रेज है वो हमारे पास क्या है, सेफ है, ओके। उसके अलावा हिप एंड इन्फेंट्स, ठीक है, ये सारे हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं कॉमनली, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये हैं, इसके अलावा भी आप बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें स्टडी कर रहे हो। अल्ट्रासाउंड इज आल्सो यूज्ड टू गाइड प्रोसीजर्स सच एज नीडल बायोप्सिस इन विच नीडल आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सैंपल सेल्स फ्रॉम एन एबनॉर्मल एरिया फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग, इमेज द ब्रेस्ट एंड टू गाइड बायोप्सी ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, डायग्नोज अ वैरायटी ऑफ हार्ट कंडीशंस एंड टू असेस डैमेज आफ्टर अ हार्ट अटैक और डायग्नोज फॉर वेल्वुलर हार्ट डिजीज, ठीक है बच्चों। तो अब नीडल बायोप्सी हमने जो है वो अगर आपको याद होगा तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया था नीडल बायोप्सी, ठीक है। तो वो जो नीडल बायोप्सी है, एक तो ये है कि पेशेंट हमारे पास आया है और हमने देखा कि इसका लंप यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और मैंने वहां पर नीडल डाली और वहां से मैंने फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और उसको मैंने जहाँ पे जाके लेबोरेटरी में उसको स्टडी कर लिया, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्या होता है कि आप अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड नीडल बायोप्सी करते हैं, ठीक है, उसमें ये होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड नीडल बायोप्सी, ठीक है, कि कहीं भी आपको लग रहा है कि पेशेंट को कोई एबनॉर्मल मैस बना हुआ है, कोई लंप बना हुआ है या वट एवर कंडीशन आपने स्टडी करनी है, तो आप क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड का क्या मतलब है कि आप अल्ट्रासाउंड कर रहे होंगे पेशेंट का, ठीक है, और जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होंगे पेशेंट का तो एट द सेम टाइम जहां हमें लग रहा है कि कोई लंप है आप वहां नीडल डालोगे, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड क्या करेगा कि हमें इमेज इस तरह से शो करेगा स्क्रीन के ऊपर और आपको पता चल जाएगा कि जो नीडल हमने डाली हुई है वो डायरेक्ट उसी लंप या उसी नोड्यूल के अंदर ही गई हुई है, ठीक है, और आप बड़े अच्छे से क्या करेंगे उसको उसकी एस्पायरेशन कर लेंगे, या अगर आपने जो है वो कोई इवन बोथ पर्पसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी आप उसको यूज करते हो, ठीक है, और अगर आपने थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो हम ये नोड्यूल का जो है वो निकालेंगे फ्लूइड और उसको स्टडी करेंगे, ठीक है, अगर आपने कोई स्टीरॉइड या इंजेक्शन के अंदर डाला है तो भी आप सेम पर्पस के लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो बायोप्सी है वो कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल बायोप्सी ब्रेस्ट की हो रही है, ठीक है, ब्रेस्ट में जैसे अगर आपको याद होगा तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि वो इंडिविजुअल्स या फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता है, ठीक है, तो जो कि आपके 30 ईयर्स से कम होती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो अल्ट्रासाउंड आप पहले करोगे पेशेंट का, अगर आपको लगेगा कि अल्ट्रासाउंड में हमें कोई लंप नजर आ गए, कोई नोड्यूल नजर आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपको नजर आ रहा है कि मैस है ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है, अब आप क्या करोगे कि मजीद इसको रूल आउट करने के लिए हम नीडल बायोप्सी करेंगे, नीडल बायोप्सी करेंगे, फ्लूइड वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे और जाकर उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी हमें हेल्प कर रही होती है फॉर द पर्पस ऑफ द एक्यूरेट डायग्नोसिस। बच्चों क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मैंने आपको म्यूट किया हुआ, स्टूडेंट्स क्लियर है, कोई मसला तो नहीं आ रहा, नो मैम। अच्छा, डॉपलर अल्ट्रासाउंड इमेजेस कैन हेल्प द फिजिशियन टू सी एंड इवैल्यूएट, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों ने एक तो सिंपल अल्ट्रासाउंड का नाम जो है वो सुना होगा, ठीक है, एक शायद आप लोगों ने डॉपलर अल्ट्रासाउंड का नाम भी जो है वो सुना हुआ होगा, ठीक है। अब डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमें क्या कर रहा होता है, जो स्पेसिफिकली हमने वेसल्स को स्टडी करना है, ठीक है, जो फ्लूइड्स आपने बॉडी में जहां जहां फ्लूइड्स पड़े हुए हैं उसको स्टडी करना है, वो हमें कौन हेल्प कर रहा होता है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। जो सिंपल अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग है वो हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं किसके लिए, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए, ठीक है, लेकिन जहां हमने फ्लूइड्स को स्टडी करना है, जहां हमने वेसल्स को स्टडी करना है, वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो को स्टडी करना है, या इसके अलावा भी आपने बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड को स्टडी करना है, तो आप उसके लिए कौन सा अल्ट्रासाउंड यूज करेंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ब्लॉकेजेस टू द ब्लड फ्लो सच एज क्लॉट, ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं अभी मैंने आपको बता दिया कि वेसल के अंदर कोई क्लॉट है,
कोई प्लाक बना हुआ है, ठीक है, कोई वहां पे फैट डेपोजिशन हुई हुई है, कोई ट्यूमर आ गया है, ठीक है, वास्कुलर किसी भी एरिया में, तो इन सबको आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. With blockage about the speed and volume of blood flow gained from a Doppler ultrasound image, the physician can often determine whether a patient is good candidate for a procedure like angioplasty. ठीक है बच्चों, तो अब definitely जो आपको पता है कि angioplasty भी हमने discuss किया था कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो वैसे ब्लॉक हुई होती है, क्लॉट होता है, उसको आप वहां से फिर रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास vessels को study करने के लिए हम क्या करवा रहे थे, सीटी कराते हैं कि MRI. ठीक है, सिटी में हमने पढ़ा था ना कि सीटी भी हम करवाते हैं, एमआरआई भी करवाते हैं वैसे. ठीक है, तो सीटी भी हम करवाते हैं. तो इस तरह से बजाय इसके कि आप जो है वो सीटी जाए और एक्सरेस को पेशेंट को एक्सपोज करें, आयनाइजिंग रेडिएशन में एक्सपोज करें, हमारे पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है. ठीक है, आप सब लोग चूंकि फिजियोथेरेपिस्ट है तो शायद आप लोगों ने डीवीटी का नाम सुना होगा. ठीक है, डीवीटी आप लोगों ने सुना होगा, व्हाट इज डीवीटी. ठीक है, तो डीवीटी अक्सर चूंकि पेशेंट्स में हो जाता है, स्पेसिफिकली पोस्ट ऑपरेटिवली भी हो जाता है. ठीक है, नंबर ऑफ रीजंस है, अब वहां पे हम नहीं जाते हैं, बट अगर पेशेंट को डीबीटी भी हो गया है तो आप अक्सर उसकी फाइल खोलेंगे तो वहां लिखा होगा डॉपलर अल्ट्रासाउंड. ठीक है, तो वो भी हम रूल आउट करने के लिए कर रहे होते हैं कि जो अगर कहीं क्लॉट बना हुआ तो वो किस वेसल में क्लॉट बना हुआ. ठीक है, तो देखिए वहां पे भी आप इसको हेल्प कर सकते हैं. सो जब आपको पता चल जाएगा कि इस वेसल के अंदर यहाँ क्लॉट बना हुआ है, वहां पे जो आप देखिए मेंशन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो. इसका क्या मतलब है कि आपको डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्पीड भी बता रहा है और फ्लो भी बता रहा है. जो बच्चों हमने पहले पढ़ा था, सीटी पढ़ा था अगर फॉर एग्जांपल, या एमआरआई पढ़ा था, उसमें आपको वो फ्लो नहीं बताता. ठीक है, उसका फ्लो का वॉल्यूम नहीं बताता, आपको उसकी स्पीड नहीं बताता. ठीक है, यहाँ पे जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है वो क्या कर रहा है कि वो उसकी स्पीड भी बता रहा है और उसका वॉल्यूम भी बता रहा है. ठीक है, अब आप देखें कि कितना एक्यूरेटली ये आपको गाइड कर सकता है. ओके, कंपैरिजन अब हमारे पास बच्चों दो तरह के कॉमनली है, पल्स वेव डॉपलर है और एक है कंटिन्यूस वेव डॉपलर. पल्स वेव में ये है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकल रही हैं या जो साउंड वेव्स हैं वो पल्सेस में आएंगी. ठीक है, और जो भी वेसल का एनाटॉमी है या जो भी इसकी पैथोलॉजी है उसको स्टडी करके आपको बताएंगे. ठीक है, बट जो कंटिन्यूस वेव डॉपलर अल्ट्रासाउंड है वहाँ क्या होगा कि कंटिन्यूसली वेव्स आ रही होती हैं और वो वेव्स कंटिन्यूसली आके कर रही होती हैं क्या वेसल को, आपको इस तरह से उसका रियल इमेज जो है वो शो कर रही होती है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट बच्चों जो इम्पोर्टेंट है दैट इज कलर डॉपलर. ठीक है, अब कलर डॉपलर का क्या जो है वो रोल है, यूटिलाइजेस पल्स इको डॉपलर फ्लो प्रिंसिपल्स टू जनरेट अ कलर इमेज. इमेज इज सुपरइम्पोज्ड इनटू द 2D इमेज. द रेड एंड ब्लू डिस्प्ले प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लो यूज्ड फॉर जर्नल असेसमेंट ऑफ फ्लो इन द रीजन ऑफ इंटरेस्ट. गिव ओनली डिस्क्रिप्टिव और सेमी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन ब्लड फ्लो. अच्छा, अब बेसिकली कलर डॉपलर हमें क्या करता है कि ये आपको फ्लो भी बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा, वेलोसिटी जो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा है सब बताएगा. ठीक है, लेकिन जो सिंपल डॉपलर अल्ट्रासाउंड है वो आपको ज्यादा बेहतर बताएगा कि किसी भी ब्लड फ्लो की जो डायरेक्शन है वो फ्लो है या वेलोसिटी है या स्पीड है वो क्या है. कलर डॉपलर क्या करता है कि वो उसकी कलर उसको करके दिखा देता है स्पेसिफाइड एरिया को. ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेसल को जो है वो स्टडी कर रहे हो और वहां पे आपको उस जो इमेज होगा उसको वो क्या कर देगा, कलरफुल करके आपको दिखा देगा. जब वो कलरफुल करके दिखा देगा तो क्या होगा कि वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके के साथ पता चल जाएगा. ठीक है, सो अब अल्ट्रासाउंड एक सिंपल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग हो गई है. ठीक है, एक डॉपलर इमेजिंग होगी और एक कौन सी होगी हमारे पास, कलर डॉपलर इमेजिंग होगी. ठीक है, और फिर डॉपलर इमेजिंग में भी मैंने आपको दो बताई है, एक है पल्स और एक है कंटिन्यूस. ठीक है, आप लोग इस लेवल पे इतना ही याद रखें, इसकी और भी बहुत सारी डिटेल्स होती है लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं. ओके, इलस्ट्रेट्स द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो विद इन अ यूजर डिफाइंड फील्ड. ब्राइटर पिक्सल्स हायर फ्लो, डार्कर पिक्सल्स स्लोअर फ्लो. अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेरे से मैंने भी आपको बताया कि कलर डॉपलर आपको फ्लो बता रहा होता है. ठीक है, और कलर्स की फॉर्म में ये आपको दिखाता है, मतलब कलर्स दिखाना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो अब कोई भी एरिया जहाँ पे ये आपको ब्राइट एरिया दिखाएगा, ब्राइट अगर ये आपको एरिया शो कर रहा है, ठीक है, जैसे कि ये इसने ब्राइट एरिया शो कर दिया है, रेड या ब्लू में ब्राइट एरिया शुरू कर दिया, तो इसका मेरा मतलब है कि वहां पे फ्लो जो है ब्लड का वो क्या है, हाई है. ठीक है, इसी तरह से वो एरिया जिनको ये ऐसे करके डार्क शो करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया भी कोई वेसल है जो उसको क्या क्या शो किया है, डार्क शो किया. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे फ्लो जो है वो क्या है, स्लोअर. ठीक है, तो इस तरह से हम कलर डॉपलर की हेल्प से वेसल को स्टडी करते हैं. ठीक है, कि जहाँ आपको ब्राइट एरियाज नजर आ रहे हैं वहां फ्लो क्या है, ज्यादा है, जहां हमें डार्क एरियाज नजर आ रहे हैं वहां पे फ्लो क्या है, कम है. ठीक है, इसी तरह से जब हमने हार्ट को स्टडी करना है, किसी भी एरिया को आपने स्टडी करना है, फीटस को आपने स्टडी करना है, अक्सर ये होता है कि अगर हमने देखना होता है कि फीटर हार्ट रेट, पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं कि फीटर हार्ट रेट जो है वो मुझे कम लग रहा है.
ठीक है, मदर कहती है कि मुझे लग रहा है कि फीटस की मूवमेंट भी कम है और उसका हार्ट रेट मुझे लगता है कि शायद कम हो गया होगा क्योंकि मूवमेंट मुझे फील नहीं हो रही है, ठीक है। तो फिर कलर डॉप्लर हम करते हैं, जब कलर डॉप्लर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि बेबी को जो फ्लो है वो प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। बेटा डोंट यूज सेल फोन, ओके, इसको ऊपर रखने पे एडजस्टेबल स्केल एंड फील्ड ऑफ व्यू बाय कन्वेंशन दैट इज टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर एंड ब्लू इज अवे। अच्छा, अब ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि रेड इज टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर क्या है ये भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो प्रोब होती है अल्ट्रासाउंड की, ठीक है, जो फिजियोथेरेपी में हम प्रोब यूज करते हैं वो डिफरेंट होती है, जो आप डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में यूज करते हैं वो एक डिफरेंट प्रोब होती है, ठीक है। तो वो प्रोब की टुवर्ड्स अगर फ्लो आ रहा है तो आपको रेड कलर का नजर आएगा, और अगर अवे फ्लो प्रोब से जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी प्रोब है, ठीक है, ये मेरी प्रोब है और मैं इसे पेशेंट को अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ, ठीक है। तो जो फ्लो जो है वो टुवर्ड्स ट्रांसड्यूसर आ रहा है वो रेड कलर का होगा, और जो इससे अवे फ्लो जा रहा है वो क्या होगा, ब्लू कलर का फ्लो, ठीक है। तो इस तरह आप आर्टरीज और वेन्स में भी डिफरेंस कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ रहा है पार्ट्स ऑफ द अल्ट्रासाउंड मशीन, ठीक है। इसमें हमारे पास इस तरह से एक कीबोर्ड लगा हुआ होता है, ये ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है, जिससे आप अल्ट्रासाउंड करते हैं जो कि साउंड वेव जनरेट करता है बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफर करता है। आपके पास इसी तरह से एक मॉनिटर होता है, ठीक है, या आप डिस्प्ले स्क्रीन कह सकते हो इसको, एक कीबोर्ड होता है, और एक इसी तरह से इसके अंदर सीडी या डीवीडी अटैच होती है जो कि आपको अल्ट्रासाउंड का एक इमेज जो है वो इस तरह से निकाल के देती है, ठीक है, ओके। अब इसमें हमारे पास पार्ट्स कौन कौन से हैं बच्चों, ट्रांसड्यूसर प्रोब, ठीक है, दिस इज बेसिकली द ट्रांसड्यूसर प्रोब, ठीक है, जिसको मैंने अभी आपको बताया है, और ये हमारे पास इस तरह से दो तरह की होती है, ठीक है, एक होती है हमारे पास लीनियर और एक होती है हमारे पास कर्व, ठीक है। अगर आप लोग मशीन देखेंगे अल्ट्रासाउंड की डायग्नोस्टिक मशीन, तो उसमें आपको ये डिफरेंट तरह की प्रोब नजर आएंगी, ओके। द प्रोब सेंड्स एंड रिसीव्स द साउंड वेव्स, ठीक है, बिकॉज जैसे ही हमने मशीन ऑन की, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, ठीक है। अब प्रोब ने क्या करना है कि वो जो साउंड वेव्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, सेंड करना है बॉडी को, ठीक है, उसके बाद बॉडी का अब इमेज भी तो लेना है ना, ठीक है, तो वो रिसीव करेंगे, वो जो वापस एक रिफ्लेक्ट होकर वेव आएगी उसको रिसीव करेंगी, और फिर उसको डिस्प्ले इमेज के ऊपर आपको इमेज की फॉर्म में, रियल इमेज की फॉर्म में जो है वो दिखाएंगे, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU डज ऑल ऑफ द कैलकुलेशन एंड कंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाईज फॉर इटसेल्फ एंड द ट्रांसड्यूसर प्रोब, ठीक है। CPU जैसे कि आपके नॉर्मल PC में जो है वो काम कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई का, इसी तरह से इस मशीन में भी वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई का काम कर रहा होता है। ट्रांसड्यूसर पल्स कंट्रोल्स, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अब आपने जैसे कि अगर आपने थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड पढ़ा है, ठीक है, उसकी मशीन भी देखी होगी, उसमें हमारे पास जो है वो क्या होता है कि एक जो है वो आपके पास प्रोब लगा होता है कि आपने बटन से फ्रिक्वेंसी हम सेट कर रहे होते हैं, पेशेंट की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ही हमारे पास यहाँ पे भी ट्रांसड्यूसर से कितनी वेव्स हमने एट द सेम टाइम जो है वो पेशेंट में जो है वो इंस्टॉल करनी है, ठीक है, या भेजनी है, उसके लिए हमारे पास पल्स कंट्रोल होता है, ठीक है। तो उस पल्स कंट्रोल से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर डिस्प्ले जो है वो हमारे पास है, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है, कीबोर्ड का कसर, ठीक है, कीबोर्ड से आपने जितनी भी कोई मेजरमेंट, अच्छा कीबोर्ड जो है वो ज्यादा इस तरह इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, आपको ये एक लाइन नजर आ रही होगी, ये इस तरह से ये बना हुआ नजर आ रहा है, ये सर्कल सा, ये रेक्टेंगुलर सा जो एरिया है या ये वाला, ठीक है। अब होता ये है कि आपके पास पहले इस तरह का ये सिंपल इमेज आएगा, ठीक है, जैसे ही अब हमें पता चला कि भाई इस एरिया में कोई ना कोई मसला है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस तरह से ऐसे करके मेजरमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे कर, ये रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इस तरह से फिर हम मेजरमेंट ले लेते हैं, तो हम उस एरिया को स्पेसिफाइड कर देते हैं जिसकी हमने जिसको हमने स्टडी करना था, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास कीबोर्ड कर्सर है, ये आपको हेल्प कर रहा होता है उस मेजरमेंट को लेने के लिए कि आप उस एरिया को, एरिया ऑफ इंटरेस्ट को क्या करें, स्पेसिफाइड कर, ठीक है। डिस्क स्टोरेज डिवाइस, हार्ड कॉपी फ्लॉपी, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया, उसमें जाएगा प्रिंटर्स इमेज कर देता है लेके आपको डिस्प्ले स्क्रीन को, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, ओके। नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके हाउ इज प्रोसीजर परफॉर्म, फॉर मोस्ट अल्ट्रासाउंड एग्जाम्स द पेशेंट इज पोजीशन्ड लाइंग फेस अप ऑन द एग्जामिनेशन टेबल दैट कैन बी टिल्टेड और मूव, ठीक है। सिंपल, आप जब भी अगर कभी अल्ट्रासाउंड रूम में जाएं तो पेशेंट क्या होता है कि आपका जो पेशेंट टेबल होता है, ठीक है, या काउच होता है, उसके ऊपर हम उसको सीधा जो है वो लिटा देते हैं, ठीक है। अ क्लियर वाटर बेस्ड जेल इज अप्लाइड टू द एरिया ऑफ बॉडी being studied to help the transducer make secure contact with the body and eliminate air pockets between the transducer and skin that can block the sound waves from passing into the body, ठीक है। उसके बाद आपने aqua gel का नाम सुना होगा, aqua gel, ठीक है। aqua gel जो होती है वो एक जो है वो आप patient उस area पे apply करते हैं, ठीक है, और वहां से फिर आपको वो जो sound waves आ रही होती है, ठीक है, वो help वो आपको medium के तौर पर act कर रहा होता है, ठीक है, aqua gel।
और वो मीडियम से फिर आपके आपकी किसी भी बॉडी के अंदर वो साउंड वेव्स होती हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है। द सोनोग्राफर अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट देन पासेस द ट्रांसड्यूसर फॉर्मली अगेंस्ट द स्किन इन वेरियस लोकेशंस स्वीपिंग ओवर द एरिया टू इंट्रस्ट एंड एंगलिंग साउंड बीम फॉर अ फार्दर लोकेशन टू बेटर सी एन एरिया ऑफ कंसर्न, ठीक है। उसके बाद जो भी सोनोग्राफर या टेक्नोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट जो पे परफॉर्म कर रहा होता है अल्ट्रासाउंड, फिर वो उस प्रोब को डिफरेंट वे से मूव करेगा जिस जिस एरिया में जिस जिस क्वाड्रेंट में उसने देखना होगा, ठीक है। अगेन मैं आपको ये बात बताऊंगी कि बच्चों जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो वो आपके एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ आता है, ठीक है। इसलिए जब हम आपको स्नैरियो देते हैं तो हम आपको हमेशा इस तरह नहीं देते कि ये इमेज है और आप बताएं कि ये क्या है, ठीक है। स्नैरियो बना के बताने का मतलब ये होता है कि पेशेंट भी आपके पास वो स्नैरियो लेके आता है, फिर हम उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बेस पे फिजिकल एग्जामिनेशन की बेस पे फिर आपको उसको रेडियोलॉजिकल मोडालिटी देखते हैं, वहां से फर्दर आपको डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी होती है, फिर आप उसको मेडिसिन देते हैं और ये सारा स्टेप जो है उस तरह से फॉलो होता है, ठीक है। ओके, अब बच्चों हमारे पास ये तीन जो है वो हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डिफरेंट वेज है, ठीक है। In some ultrasound studies, the transducer is attached to a probe and inserted into a natural opening in the body. ठीक है? अभी जो पीछे हमने अल्ट्रासाउंड देखा है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी मैंने आपको दिखाई है, या नॉर्मल जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं प्रेगनेंट फीमेल के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि बॉडी के अपर सर्फेस के ऊपर आप प्रोब रखते हो और पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हम कर लेते हैं, ठीक है। बट कुछ हमारे पास इस तरह की जो है वो अल्ट्रासाउंड भी हम करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि हम ट्रांसड्यूसर को या जो अल्ट्रासाउंड की प्रोब है उसको आप बॉडी के इंटरनल ओपनिंग के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों हमारे पास थ्री इंपॉर्टेंट जो है वो टाइप्स है, ट्रांस इसोफेगियल एकोकार्डियोग्राम, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड और ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। नंबर वन पे हम देख लेते हैं ट्रांस इसोफेगियल, ठीक है। इसोफेगियल का क्या मतलब है कि इसोफेगस के अंदर आपने जो है वो क्या करना है, ट्रांसड्यूसर को या जो प्रोब है उसको इंसर्ट करना है, ठीक है, टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द हार्ट। अच्छा बच्चों ये इमेज आप देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास हमने अल्ट्रासाउंड की प्रोब ली, एसोफेगस से इसको हमने डाला, ठीक है, और हमने कहाँ तक पहुंचा दिया, इस ट्रांसड्यूसर को हार्ट तक पहुंचा दिया, ठीक है। और इससे फिर हमने क्या किया कि वहां गई साउंड वेव्स, उन्होंने हार्ट का पूरा आपको रियल इमेज जो है वो क्या कर दिया स्क्रीन के ऊपर इस तरह से एकोकार्डियोग्राम की फॉर्म में शो कर दिया, ठीक है। तो अब अगेन चूंकि हमें अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि अल्ट्रासाउंड हमें प्रॉपर जो है वो क्या बताएगा, अंदर के टिश्यूज के बारे में भी आपको बता रहा होगा, ठीक है, और चूंकि हम डॉपलर कर रहे हैं तो ये आपको फ्लो ब्लॉकेजेस वो साथ भी आपको जो है वो साथ साथ इसके गाइड कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रांस रेक्टल, दैट इज इंसर्टेड इनटू द मेल्स रेक्टम टू व्यू द प्रोस्टेट, ठीक है। जरूरी नहीं है मेल रेक्टम में, फीमेल से भी अगर आपको फीमेल का भी अगर हमने कोई एरिया स्टडी करना है, बिकॉज मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपरप्लेजिया, ठीक है, जो कि अगर आपने सुना हो कि बहुत ज्यादा कॉमन होता है विद एज, ये जो है वो एक बेनाइन कंडीशन होती है, ठीक है, उसको अगर हमने स्टडी करना हो तो फिर हम क्या करेंगे कि ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं जिसमें आप रेक्टम से पेशेंट की क्या करते हो इंसर्ट कर देते हैं हम प्रोब को, ठीक है, और वो फिर हमें प्रॉपर जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर है वो शो कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में आ जाता है हमारे पास ट्रांस वजाइनल, ठीक है। अब ट्रांस वजाइनल जो है वो आप इज इंसर्टेड इन द वुमेन्स वजाइना टू व्यू द यूट्रस एंड ओवरीज, मोस्ट अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस आर कंप्लीटेड विद इन 30 मिनट्स टू एन आवर, ठीक है। तो ट्रांस वजाइनल नेम भी शो कर रहा है कि आपने वजाइना से जो है वो प्रोब को इंसर्ट किया, और जब आप देखेंगे वजाइना से प्रोब को इंसर्ट करेंगे तो सारे जो ऑर्गन हमारे पेल्विक फ्लोर के ऊपर पड़े हुए हैं, सर्विक्स पड़ी हुई है, ओवरीज पड़ी हुई है, यूट्रस पड़ा हुआ है, वो सब आपको जो है वो इजीली क्या हो जाएगा उसको आप विजुअलाइज कर लेंगे, ठीक है, और इसका आपके पास इमेज आ जाएगा। तो बच्चों ये आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों जो अभी हमने डिस्कस किया। ओके बच्चों क्लियर हो रहा है, कोई मसला तो नहीं आ रहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हैंड रेज कर दें। सारे बच्चों को क्लियर है बॉयज? यस मैम, यस मैम। अल्ट्रासाउंड तो बच्चों आई थिंक कि इजी है बिकॉज आप लोग ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड से अवेयर हो गए हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क, ठीक है। तो रिस्क तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, बिकॉज नो स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, देयर आर नो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमंस, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको शुरू में बताया नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं और हम इतनी सेफ हैं कि फीटस पे भी जो है वो उसको इजीली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अभी तक जितनी भी रिसर्चेस हैं उसके अकॉर्डिंग भी कोई भी एसच हार्मफुल इफेक्ट जो है वो ह्यूमंस के ऊपर स्टडी नहीं हुए, ठीक है। बेनिफिट्स हमारे पास बहुत ज्यादा है, ठीक है। नंबर वन क्या है कि ये पेनलेस है, ठीक है। अगर इवन आप जो ट्रांस इसोफेगियल कर रहे हो, ठीक है, या ट्रांस रेक्टल हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी हम क्या होता है बिकॉज आप ट्रांसड्यूसर के ऊपर जेल लगाते हो,
ठीक है, और जेल से फिर आप प्रोब को जो है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब इसके ऊपर जेल लगी होती है तो वो ऑलरेडी एक आपको विस्कोसिटी अप्लाई कर रही होती है, एक मीडियम अप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो हम इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, बॉडी के जो ओपनिंग है, नेचुरल ओपनिंग है, उसके अंदर उसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये क्या है कि हमारे पास पेनलेस है, ठीक है। फिर जैसे हमने MRI में पढ़ा था, ठीक है, पेशेंट को जो है वो मशीन के अंदर टनल के अंदर जाना है, तो उसको वो जो एक फोबिया था, क्लॉस्ट्रोफोबिया, वो सब वो भी नहीं होगा, ठीक है। एक्सपेंसिव भी ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, इजी टू यूज, लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। जैसे यहाँ मेंशन है, डज नॉट यूज एनी आयनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है, जो कि हम डे वन से पढ़ रहे हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू दैट डू नॉट शो अप ऑन एक्सरे, ठीक है। जब हमने एक्सरे पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि एक्सरे पे सॉफ्ट टिश्यूज हमें इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे होते, ठीक है। हमें MRI पे नजर आते हैं या फिर हमें ज्यादातर इसके ऊपर नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड इज द प्रेफर्ड इमेजिंग मोडालिटी फॉर द डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड देयर अनबॉर्न बेबीज, ठीक है, फीटस को स्टडी करने के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स को स्टडी करने के लिए। और उसके अलावा अभी जैसे हमने पीछे देखा है, ट्रांसवजाइनल हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें ओवरी के अंदर कोई मसला हो गया है, फ्लोपियन ट्यूब में कोई इशू हो गया है पेशेंट का, ठीक है, उस सबको आप इजिली जो है वो अल्ट्रासाउंड से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड्स रियल इमेजिंग, मेकिंग इट गुड टूल फॉर गाइडिंग मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स सच एज नीडल बायोप्सीज एंड नीडल एस्पिरेशन, ठीक है। तो ये भी मैंने बच्चों आपको बता दिया है कि आप उसको जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी है उसको आप थेरापूटिक पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई इंजेक्शन डालना हो, मेडिसिन पेशेंट में इंजर्ट करनी है, ठीक है, तब भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपने कोई डायग्नोसिस बनाना है किसी भी एरिया का, किसी भी मैस का, तो उसके लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास। अनलाइक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इन्वॉल्व्स ओनली साउंड वेव्स, नो रेडिएशन डेंजर। हाउएवर, साउंड वेव्स कैन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, देयर इज नोन एज कैविटेशन, सिग्निफिकेंट ओनली फॉर लॉन्ग एक्सपोजर टाइम। जी बच्चे, अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि कैविटेशन क्या होती है? अलीहा, नवीद, आप बताएं बेटा, व्हाट इज कैविटेशन? वॉइस में से कोई बच्चा हैंड रेज करे और बताएं व्हाट इज कैविटेशन। मैम, कैविटेशन ये होती है ना कि जब हम वो ट्रांसड्यूसर अप्लाई करते हैं अल्ट्रासाउंड का, तो अंदर फ्लूड फ्लूड से ना वो बन जाता है, कैविटी बन जाती है ब्लड के अंदर। कैविटी बन जाती है? मैम, कैविटी कैविटी टाइप फ्लूड बन जाता है अंदर। आप बताएं महमूद। बबल, मैम, बबल बन जाते हैं उसके अंदर। बेसिकली होता ये है कि आपकी बॉडी में चुके हम जिस भी एरिया को एग्जामिन कर रहे हैं बच्चों, वहां पे कोई ना कोई फ्लूइड आपके साथ है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए अल्ट्रासाउंड को वहां अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फिर वहां होता है कि हमारे पास डिफरेंट बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं टिश्यूज के अंदर, ठीक है, जो कि अगर रप्चर वहां पे होना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होता है कि पेशेंट का एरिया बर्न होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए आपने नीचे मेंशन भी है कि सिग्निफिकेंट ओनली फॉर डॉग एक्सपोजर टाइम, ठीक है। जब आप लोगों ने, बिकॉज आप लोग थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां पे मेंशन होता है कि हम एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए पेशेंट को जो है वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है, जैसे मिनिमम 5 से 10 मिनट के लिए हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने बहुत ज्यादा लॉन्ग एक्सपोजर जो है वो अल्ट्रासाउंड वेस्ट कर नहीं करना, अगर आप करते हैं तो वहां हमारे पास कैविटेशन या बर्न स्किन के फिर चांसेस जो है वो हो जाते हैं। इसमें भी वैसे हमारे पास टाइप्स होती है। Many studies have been conducted to determine the physiological effect of ultrasound cavitation. No direct correlation has been found between ultrasound imaging and cancer, low birth weight, dyslexia, delayed speech development. ठीक है, अब बच्चों आपको पता है कि बहुत सारे हमारे पास जो है वो developmental birth defects होते हैं, ठीक है, कि जो है वो cord में कोई मसला आ गया, baby की speech में कोई issue आ गया है, ठीक है, low birth baby आ गया है, या जो है वो बायो, जैसे हम कहते हैं कि जो है वो मदर में वूम में जो है वो बेबी की पोजीशन इस तरह की थी जिसकी वजह से ये डिफॉर्मिटी आ गई है, ठीक है, डेवलपमेंटल डिलेज इश्यूज आ जाते हैं। तो वो सब जो इश्यूज हैं उनको बार बार रिपीटेडली जो है वो स्टडी किया गया है, रिसर्चेस की गई हैं कि क्या ये जो है वो कहीं इसके साथ तो कोरिलेटेड नहीं है, अल्ट्रासाउंड के साथ तो कोरिलेटेड नहीं है, ठीक है। बट जो है वो सारी स्टडीज हमें ये कहती हैं, सारा जो भी हमारा डाटा है वो यही शो करता है कि अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज हैं, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज आ रही है, वो इसके साथ कोरिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रोथेरेपी में टेंस का पढ़ा होगा, ठीक है, कि टेंस हम कहते हैं कि ओवर द यूट्रस हम अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है,
स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंट फीमेल के ऊपर, ठीक है, उसका रीजन यही है कि आप वो एक रेज जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दें, ठीक है। इस तरह से अल्ट्रासाउंड पे भी स्टडी हुई है, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है वो हमारे पास फिलहाल इसको जो हमने स्टडी किया है वो इस तरह से कोई हमें रिस्क फैक्टर्स इसमें नहीं मिले हैं। ओके नाउ बच्चों, हाउ डज द प्रोसीजर वर्क? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन द सोनार बाय बैड शिप्स मेजरमेंट वेदर सर्विसेज व्हेन अ साउंड वेव स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट इट बाउंसेस बैक और इक्वल्स, ठीक है। जिस तरह से हमारे जिस डिफरेंट सोनार सिस्टम्स लगे हुए हैं, ठीक है, और वो जो है वो कैच कर रहे हैं आपकी वेदर की प्रेडिक्शन देते हैं, ठीक है, आपको डिफरेंट प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं, इसी तरह से साउंड वेव भी क्या करती है कि जो भी जब आप उसको ट्रांसड्यूसर आप अप्लाई करते हो किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो वो जाके वहाँ स्ट्राइक करती है, और मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्राइक करके फिर एक वेव वापस आती है, ठीक है, तो वो जो इको की वेव वापस आई है ट्रांसड्यूसर उसको कैच करता है, ठीक है। अभी शुरू में हमने पढ़ा था कि ट्रांसड्यूसर मशीन में मशीन जब हमने पार्ट्स पढ़े थे कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि सेंड भी कर रहा है सिग्नल और एट द सेम टाइम रिसीव भी कर रहा है, ठीक है, और फिर आपको जो है वो इमेज दे रहा है। तो वो जो हमारे पास वापस इमेज जो है वो आ रही है, क्योंकि आपको पता है इको क्या होती है कि हाँ मैं अभी यहाँ पे कुछ बोलूंगी और मुझे एक रिफ्लेक्ट बैक जो अपनी अब साउंड या वेव सुनाई देगी, ठीक है। इसी तरह से अल्ट्रासाउंड क्या होता है कि साउंड वेव बॉडी में गई, उसने जाके ऑर्गन को स्ट्राइक किया, ठीक है, वहां से इको वेव वापस आई, ठीक है, और उसने ट्रांसड्यूसर ने उसको क्या किया जो है वो डिटेक्ट किया। इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन हाउ फार अवे द ऑब्जेक्ट इज एंड इट्स साइज शेप कंसिस्टेंसी, ठीक है। आप डेफिनेटली बिकॉज अभी हमने देखा है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम स्टडी कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड से, उस स्ट्रक्चर का क्या साइज है, उसमें जैसे कार्डियो में गहरी तो नहीं हुई हुई है, ठीक है, या कोई भी अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उसके स्ट्रक्चर में क्या कोई इशू आ रहा है, उसकी शेप में कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है, उसकी कंसिस्टेंसी वहां पे किस तरह की है, ठीक है, वो सारा आप इसमें जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इन मेडिसिन अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू डिटेक्ट चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन टिश्यू वेसल्स, डिटेक्ट एबनॉर्मल मैसेज सच एज ट्यूमर्स, ठीक है बच्चों। तो ये हम ऑलरेडी काफी दफा जो है वो इस पॉइंट को स्टडी कर चुके हैं। इन अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन आवर ट्रांसड्यूसर बोथ सेंड द साउंड वेव्स एंड रिसीव्स रिकॉर्ड्स इको वेव्स, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि सेंड करेगा और इको वेव जो वापस आएगी रिफ्लेक्ट होकर उसको भी रिसीव करेगा। When the transducer is pressed against the skin, it directs small pulses and audible high frequency sound waves into the body. As the sound waves bounce off of internal organs, fluid and tissues, the sensitive microphone in the transducer records tiny changes in the sound's pitch and direction. These signature waves are instantly measured and displayed by a computer, which in turn creates a real image of the onto the monitor. ठीक है बच्चों, तो I think ये काफी एक आसान सा इसका procedure है, ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब मैंने आपको पढ़ाया था MRI, तो MRI का जो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगा था कि किस तरह से वो जाता है, फिर हाइड्रोजन लाइन अप होते हैं वो सारा, ठीक है, लेकिन इसका इमेजिंग बनने का जो प्रोसीजर है वो हमारे पास बड़ा आसान सा है। ट्रांसड्यूसर आपने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स जो है वो जनरेट हुई और उन्होंने मीडियम के थ्रू एक्वा जेल के थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुई, ठीक है, वहां से जिस भी ऑर्गन को हम स्टडी कर रहे हैं वहां से जाके रिफ्लेक्ट बैक हुई, इको वेव्स आई, ट्रांसड्यूसर के अंदर आपके पास डिटेक्टर लगा हुआ है, उसने उसको डिटेक्ट किया और आपका डिस्प्ले पिक्चर के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर आपको रियल इमेज जो है पेशेंट के स्ट्रक्चर का दिखा, ठीक है। तो आई थिंक ये काफी इजी है। वन आर मोर फ्रेम्स ऑन द मूविंग पिक्चर्स आर टिपिकली कैप्चर्ड एज स्टिल इमेजेस, ठीक है। अब स्टिल इमेजेस जैसे हमने पहले देखा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ और मुझे लगता है कि ये मैं आप अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद इस क्वाड्रेंट के अंदर मुझे यहाँ कोई मैस नजर आया, ठीक है, तो मैं फटाफट क्या करती हूँ उसको वहां पे क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है, आपके पास ऑप्शन होता है आप इसे यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करके, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एक स्टिल इमेज आ जाता है, ठीक है, जो आप एट द स्पॉट क्लिक कर लेते हैं कि आप फर्दर देखने के लिए, ठीक है, तो रियल इमेज और स्टिल इमेजेस अल्ट्रासाउंड आपको दोनों प्रोवाइड करते हैं। Doppler ultrasound, a specific application of ultrasound measures the direction speed of the blood cells as they move through the vessels. ठीक है, जैसे भी हमने पिछले स्टडी किया है कि Doppler ultrasound आपको जो ब्लड फ्लो है उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड के बारे में आपको बताता है, ठीक है, किस वेलोसिटी से जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा है डिफरेंट वेसल्स के अंदर वो बताता है। द मूवमेंट ऑफ द ब्लड सेल्स causes a change in the pitch of the reflected sound waves for the Doppler effect. ठीक है, जब भी ब्लड सेल से ये साउंड वेव्स पास कर रही होती हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पे ब्लड सेल्स की मूवमेंट कम होगी या ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो जो साउंड वेव होगी वो क्या करती है, उसको डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है, दैट इज बेसिकली द डॉपलर इफेक्ट, इसीलिए ही हम इसको डॉपलर अल्ट्रासाउंड कह रहे हैं, ठीक है, इस डॉपलर इफेक्ट की बेस पर कह रहे हैं। अ कंप्यूटर कलेक्ट्स एंड प्रोसेस द साउंड्स एंड क्रिएट्स ग्राफ और कलर पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल, ठीक है, और फिर हमारा कंप्यूटर उसको इमेज की फॉर्म में दिखा सकता है।
बच्चों अब इसके हमारे पास कॉमन यूजेस हैं, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग मेंशन थी करनी थी कि यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है, एप्लीकेशन इन ऑब्स्टेट्रिक्स, फीटल मूवमेंट आपने देखनी हो, पैथोलॉजीज देखनी हो, बच्चों इसमें हम जो है वो ये नहीं देखेंगे, मैं आपको इमेजेस की तरफ नहीं लेके जाऊंगी बिकॉज आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम देखेंगे ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड पढ़ना शुरू हो जाए, हम सारा मस्कुलोस्केलेटल पढ़ना शुरू हो जाए, वो एक फर्दर सुप्रा स्पेशलिटीज है, ठीक है, बट आपको एटलीस्ट इस लेवल पे ये आइडिया होना चाहिए कि हमारा यूज क्या है, ठीक है। तो एक तो आपको पता है कि हम ऑब्स्टेट्रिक्स में जो उसको स्पेसिफिकली यूज करते हैं, ठीक है, उसके अलावा कार्डियोलॉजी में, अच्छा ऑब्स्टेट्रिक के अलावा बच्चों ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में शायद आपको डिफरेंस का आइडिया है, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक्स वो होती है जो कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से सारा प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, ठीक है, और गायनेकोलॉजी क्या होती है जिसमें फीमेल से रिलेटेड कोई भी इशू आते हैं, ठीक है, जैसे कि अक्सर बच्चों में लड़कों में आजकल यूटीआई बहुत कॉमन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, पीसीओएस की डिजीज, जो ओवरीज में सिस्ट बन जाती है आपके ओवरीज के अंदर, वो बहुत कॉमन है, ठीक है। तो वो सारा कुछ भी अगर आपने स्टडी करना है, यानी कि गायनेकोलॉजी से रिलेटेड आपने स्टडी करना है तो भी आप अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं, और अगर ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड आपने स्टडी करना है तो भी आप अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन इन कार्डियोलॉजी, ब्लड फ्लो वेसल्स में हमने देख लिया, ठीक है, उसके बाद जैसे भी हमने पीछे पढ़ा है एकोकार्डियोग्राम, ठीक है, जो एसोफेगस से हम बेच के प्रॉपर सारा स्टडी कर रहे थे हार्ट को, ठीक है, तो जब आप इतना क्लोज जाके ट्रांसड्यूसर सेंड करके स्टडी करेंगे तो आप ब्लड फ्लो भी देख सकोगे, आप कॉन्ट्रैक्शन देख सकेंगे, क्या रिदमिक फ्लो है वो भी देख सकेंगे, और कार्डिक परफ्यूजन है वो भी देख सकेंगे, कोई कार्डिक पैथोलॉजी है, कार्डिक में गिरी हुई हुई है, वो भी आप इन डिटेल क्या कर सकोगे, स्टडी कर सकोगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन इनर मेडिसिन, गॉल स्टोन्स परफ्यूजन और रेनल ट्रांसप्लांट, रेड एरो विद इन द गॉल ब्लैडर प्रोड्यूसेस अ ब्राइट सरफेस इको एंड कॉज अ डार्क अकॉस्टिक शैडो। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये उन्होंने हमारे पास एक गॉल ब्लैडर का इमेज जो है वो शो किया हुआ है, ठीक है, ये आपको लाइंस नजर आ रही है, छोटी छोटी सी व्हाइट व्हाइट डॉट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो ट्रांसड्यूसर होता है, ट्रांसड्यूसर के अंदर एक हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर आप मेजरमेंट जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है, जब हम मेजरमेंट सेट करते हैं, आप देखिए इन्होंने ये मेजरमेंट जो है वो सेट कर दिया कि मैंने कितना एरिया गॉल ब्लैडर का जो है वो उसको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टोन जो है वो इसके अंदर नजर आ रहा है, इसी तरह से जैसे भी हमने पीछे पढ़ा था कि आप इसको गॉल ब्लैडर के लिए, लिवर के लिए, आप इसको डिफरेंट हमारे जितने भी है किडनी है जितने ऑर्गन है सबकी स्टडी के लिए इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, देन एप्लीकेशन इन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है, जो कि आप इन फील्ड प्रोफेशनल लाइफ में इसको यूज करेंगे, ठीक है, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका जो ज्यादा रोल होगा वो आप ऑब्स्टेट्रिक में नहीं आप करोगे, ठीक है, कार्डियोलॉजी में आप नहीं करेंगे, गायनी में आप इसको यूज नहीं करेंगे, आप इसमें करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको पीछे एक्सप्लेन किया है कि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, जो क्लिनिक्स होते हैं गायनी के, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल होता है, ठीक है, वो वहाँ से अल्ट्रासाउंड करती है पेशेंट, और साथ ही क्या होता है कि वो जो है वो कंसल्टेशन भी ले लेती है गायनेकोलॉजिस्ट से, ठीक है। इसी तरह से ही हमारे पास जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसके पास भी अब ये फैसिलिटी जो है वो उनके पास अवेलेबल होती है कि वो जो है वो आप उसको एट द सेम टाइम डायग्नोस भी करें और एट द सेम टाइम आप क्या करें उसको ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक दो साइड ऐड की, में आपको पता चल जाए, ठीक है, जैसे देखिए बच्चों ये आपका मसल है, अगर मसल के अंदर कोई भी आपको इस तरह से इतना एक क्लोज इमेज अल्ट्रासाउंड मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड जो है वो शो कर देता है, ठीक है, और आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि कहीं पे कोई टीयर आया हुआ है या उसमें कोई और मसल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी तरह से टेंडन्स हैं आपके, तो टेंडन्स को भी बिल्कुल आपके जो फाइबर्स हैं उस लेवल के ऊपर जाके आपको इस तरह से जो है वो अल्ट्रासाउंड मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड जो है वो आपको एक इमेज शो कर देता है। देन कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज आप ये देखिए यहाँ पर कार्टिलेज नजर आ रही है, ठीक है, और अगर इसमें भी हमारे पास कार्टिलेज कहीं पे कोई वियर एंड टियर हो रहा होगा, ठीक है, कोई डिजनरेटिव डिजीज होगी, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको पता है कार्टिलेज जो है वो अब इसमें वियर एंड टियर शुरू हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई वियर एंड टियर होगा तो आपको मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के ऊपर इजीली नजर आ जाएगा। इसी तरह से बोन है, ठीक है, ये आपको बोन नजर आ रही है। अब अल्ट्रासाउंड जो है वो बोन आपको इतनी अच्छी से शो नहीं करता, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एमआरआई में हमें बोन इतनी अच्छी नजर नहीं आती होती, ठीक है। इसी तरह से अल्ट्रासाउंड में भी आपको नजर तो आएगी बोन, लेकिन आप उसको ऐसे कुछ डायग्नोज नहीं कर सकेंगे, ठीक है, कि वो क्या है, वहां पे कोई फ्रैक्चर है या क्या पैथोलॉजी है, ठीक है, लेकिन आप उसको इस तरह से देख सकते हैं।
मैम आवाज नहीं आ रही। मैम ने माइक म्यूट किया हुआ अपना। अच्छा बच्चों नहीं बच्चों मैं कुछ और डिस्कस कर रही थी। अच्छा इसके अलावा बच्चों ये मैंने एक जो है वो स्लाइड की हुई है, दैट इज नी आर्थ्रोसेंथेसिस। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था अल्ट्रासाउंड विद गाइडेड बायोप्सी। ठीक है, उसी तरह से ही बिकॉज हमें बहुत ज्यादा हम थायराइड की नहीं करेंगे बिकॉज बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप थायराइड पे जो है वो डायग्नोसिस पे नहीं जाते हो, आप ब्रेस्ट बायोप्सी नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पास जो आप बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट ज्यादा बायोप्सी कर सकते हैं वो आपके पास जैसे नी में कोई अगर हमारे पास हमें लगता है कि कोई ज्वाइंट डिफ्यूजन हो गई है, ठीक है, कोई सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया है, ठीक है, और हमने देखना है कि वो सेप्टिक आर्थराइटिस जो है वो किस इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, उसको आपने मजीद एक्यूरेट कोई डायग्नोसिस करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, या आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जो है वो स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, ठीक है, जिनको आर्थराइटिस होता है ग्रेड 3 का आर्थराइटिस होता है वो क्या कर रहे होते हैं स्टीरॉयड इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी अगर आप जो है वो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है वो इंजेक्शन लगाना चाहें तो आप बड़ा इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी आपने न्यू न्यू स्टार्ट किया हुआ और आपको नहीं आइडिया, ठीक है, तो आप देखिए आपको एक रियल इमेज आपके सामने नजर आ रहा है, अल्ट्रासाउंड आपको हेल्प कर रहा है, रियल इमेज शो करेगा और आप बड़े आसानी से क्या करें वहाँ पे स्टीरॉयड जो भी इंजेक्शन आपने इंजर्ट करना है वो आप वहाँ पे इंजर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम बायोप्सी जो मिडल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सीज है उसको डायग्नोस्टिक एंड एट द सेम टाइम थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। Ultrasound waves are disrupted by air or gas. Therefore, ultrasound is not ideal imaging technique or air-filled organs are hidden by bones such as lungs or head. In most cases, barium scan, CT, MRI are the method of choice in setting. ठीक है, जैसे भी बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे आप लॉन्ग एक्सपोजर अल्ट्रासाउंड का करते हैं फिर वहाँ पे हमारे पास कैविटेशन हो जाती है। ठीक है, या बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं गैस के। ठीक है, कैविटेशन की भी आपने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑर्गन जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो है वो कोई गैस है, ठीक है, या कोई एयर है पड़ी हुई, ठीक है, या जहाँ पे ज्यादातर एरिया बोनी है, ठीक है, उसको अगर आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है वो स्टडी करते हैं तो आपका इतना अच्छा इमेज जो है वो नहीं नजर आता है। ठीक है, जैसे कि हेड है और या जैसे कि हमारे लंग्स है। ठीक है, आपने लंग्स का अल्ट्रासाउंड नहीं सुना है, लंग्स से भी हम ज्यादातर एक्सरे कर रहे होते हैं। ठीक है, या आप सीटी कर रहे होते हैं। लार्ज पेशेंट्स आर मोर डिफिकल्ट टू इमेज बाय अल्ट्रासाउंड बिकॉज ग्रेटर वॉल्यूम अमाउंट ऑफ टिश्यूज अटेन्यूएट्स मेक्स द साउंड वेव्स एज दे डीपर इनटू द बॉडी। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास बहुत ज्यादा कोई ओबीस पेशेंट है उसके लिए भी अगर आप इसको यूज करेंगे तो क्या होता है कि बिकॉज उनमें बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है तो जब साउंड वेव पास करेगी बॉडी से, ठीक है, तो टिश्यूज में डीपर जाते जाते क्या हो जाएगी वो उसकी जो एक फ्रिक्वेंसी स्पेसिफिक आ रही है वो वीक हो जाएगी। अल्ट्रासाउंड हैज डिफिकल्टी penetrating bone and therefore can also see the outer surface of the bony structures and not what lies within except in infants. ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हेड में आप इसको नहीं करते हैं बट क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल इन्फेंट्स हैं 1 ईयर से कम के होते हैं उसमें हम जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज उनका अभी स्कल जो है वो ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, इतना हार्ड आपकी तरह का स्कल उनका नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए उस कंडीशन में हम यूज कर लेते हैं बट जैसे ही बच्चा 1 साल से अबव जाता है उसका स्कल फिर हार्ड हो जाता है, पैलेट हार्ड सॉफ्ट पैलेट सारा ग्रो कर जाता है तो उसमें फिर अल्ट्रासाउंड प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं होंगे और आपको इमेज नहीं दिखाएंगे। ठीक है, for visualizing internal structures of the bone and certain joints other imaging modalities and MRI are typically used. ठीक है, तो ये हम already पढ़ चुके हैं कि इसके लिए हम इसको ज्यादा preferable use करते हैं। I think अभी हमारे पास time है तो ये हम जरा एक image देख लेते हैं। ये एक छोटा सा बच्चों video है जिसमें ये अभी हमने जो है वो स्टडी किया था कि ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोब है या ट्रांसड्यूसर है अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, उसके बाद साउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टिमुलस जा रहा है, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं आप इसको, क्रिस्टल्स हैं। आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड की प्रोडक्शन तो पढ़ी हुई है ना, साउंड वेव्स प्रोड्यूस किस तरह से होती है। ठीक है, हाँ जी, ये जो स्पेसिफिक आपको पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, शाबाश। ठीक है, ओके, उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स आपके पास प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, बॉडी में वो पेनिट्रेट करेंगी और अभी मैंने आपको बताया कि मीडियम हम एक्वा जेल यूज करेंगे।
कि तो आप देखिए इस तरह का आपको रियल टाइम इमेज जो है वो अल्ट्रासाउंड शो करता है। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों ने जब पढ़ा होगा थेरापूटिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है, तो आपने उसमें देखा होगा कि हम प्रोब को डिफरेंट वे से मूव करते थे, ठीक है, डिफरेंट वे से ना, क्रॉस सेक्शन में मूव करना है आपने, एक फिगर में मूव करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है, किस तरह करना है। इसी तरह से जब आप ये डायग्नोस्टिक हम अल्ट्रासाउंड यूज कर रहे होते हैं तो इसमें भी आपको प्रोब को किस तरह आपने मूव करना है, ठीक है। तो आपने यूजली हम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में मूव करते हैं या फिर हम ट्रांसफर जो है उसको मूव करते हैं। ये दो प्लेन्स हो गए स्पेसिफिकली, ये बच्चों इसमें से ज्यादा तो नहीं आपके काम की बातें, लेकिन जो आदित्य मैं आपको दिखा रही हूँ वो याद रखें, एटलीस्ट वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आप देख लो बेटा, ये तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हमने पेशेंट को लॉन्गिट्यूडल प्लेन में आपने प्रोब को फेरा था तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट को कौन सा इमेज आया होगा हमारे पास, सेजिटल प्लेन इमेज आया होगा, ठीक है ना, सेजिटल प्लेन का इमेज आया होगा। और जब हमने ट्रांसवर्स वे में प्लेन में जो हमने ट्रांसड्यूसर को मूव किया तो हमें कौन सा सेक्शन आया होगा, कोरोना सेक्शन है, ठीक है। तो अब डिपेंड कर रहा होता है ना कि आप किस स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी, यहाँ तो वैसे फीटस ही मेंशन है, ठीक है, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि हम अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आपने देखने हैं डिफरेंट ऑर्गन्स तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इसको करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ वेज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। जब कोई भी पैथोलॉजी आती है, कोई भी एब्नॉर्मेलिटी आती है, तो फिर हम बताते हैं कि इंटीरियर टू पोस्टीरियर ये इशू है, ठीक है। फिर आपका इसी तरह से सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट होता है, ये आपको पता है इस वक्त बेबी की नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। मतलब अगर आपने बेबी को स्टडी करना है तो आप इंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इंफीरियर, ठीक है। इसी तरह से ये बेबी की बात नहीं है, आपने किसी भी स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो आप इन फोर जो व्यूज हैं इन सब में आप देखेंगे, मतलब आप किसी भी स्ट्रक्चर को इंटीरियर पोस्टीरियर और सुपीरियर इंफीरियर, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर इंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों तरह से आप उनको स्टडी करेंगे। ये देखें सुपीरियर इंफीरियर और इंटीरियर और पोस्टीरियर, कोई भी स्ट्रक्चर है, ये लंग्स है, लिवर है या कोई भी है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं नजर नहीं आ रहा मैम, हमें तो वीडियो नहीं नजर आ रही। आप वीडियो नजर नहीं आ रही? नो मैम। बेटा आप पूरी क्लास सो रही है, मुझे ये बताएं, आधा मैंने पढ़ा दिया तो अब आप बता रहे हैं कि वीडियो नजर नहीं आ रही, पूरी क्लास सो रही है। कोई हाल नहीं है बच्चों आप लोगों का, अल्लाह जानता है आप लोगों ने पैसे पास होंगे। अब शो हो रही है वीडियो, 50 स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास में प्रेजेंट हैं और 50 में से एक बच्चा बता रहा है कि मैम अब हमें वीडियो नहीं शो हो रही है, बाकी पूरी क्लास हो रही है लॉगिन करके। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं तो आपको पता होता है कि आपने प्रोब को किस तरह मूव करना है, ऐसे तो नहीं ना कि आपने हर वे में प्रोब को मूव करते जाना है, ठीक है। तो आपने लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स दो प्लेन से मूव करना है, जब लॉन्गिट्यूडल मूव करेंगे तो आपके पास सेजिटल सेक्शन आएगा बॉडी का, जब ट्रांसवर्स मूव करेंगे तो कोरोना सेक्शन आएगा आपके पास, ठीक है। या आपके क्विज आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। ये देखिए लॉन्गिट्यूडल मूव किया तो आपके पास सेजिटल सेक्शन आ गया, फिर आप जब इसको ट्रांसवर्स प्लेन में मूव करेंगे तो आपके पास कोरोना सेक्शन आ जाएगा।
इस तरह से फिर मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट कि आपने कब कोई भी स्ट्रक्चर अगर हमने स्टडी करना होता है तो उसमें हमारे पास डिफरेंट आपने उसको पूरा विजुलाइज अगर आपने करना है तो आपने कौन कौन से एरियाज को या किस किस पॉइंट्स पे आपने देखना है, तो आपने उसको इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है, इन सब वे से आपने उसको जो है वो देखना होता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, सिफेलिक एंड कॉडल व्यू, अच्छा ये गायनी से रिलेटेड है, इसमें हम देख लेते हैं और आपके इम्पोर्टेंट के लिए क्या है। चलिए बच्चे बाकी आगे जो है वो ज्यादा गायनी से रिलेटेड है, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो पीटर से रिलेटेड ज्यादा था, इसमें गाइडलाइंस दी हुई है। मेरा आपको ये दिखाने का पर्पस ये था कि आपको पता हो जाए कि प्रोब की मूवमेंट जो है वो क्या है, ठीक है, और आपने कोई भी स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो आपने उसको कौन कौन से व्यूज में जो है वो देखना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे भी मैंने आपको बताया था फाइब्रॉइड्स हैं, ठीक है, मैं आपको बताया फाइब्रॉइड्स अगर आपने देखने तो आप लोअर एब्डोमिनल रीजन जो है वहां पे प्रोब को जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं आपके एब्डोमिन के, जिस जिस क्वाड्रेंट में हमें स्टडी करना होता है उस क्वाड्रेंट में आप प्रोब को जो है वो डिफरेंट प्लेन्स में यूज करेंगे और फिर आपके पास एक स्पेसिफाइड इमेज जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ये आज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है, आप लोग सब ये पढ़ के आए नेक्स्ट टाइम कि आपने जो भी हमने स्टडी किया है, ठीक है, कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, क्या इसका कौन सी वेव्स इसमें यूज हो रही है आपके पास, ठीक है, और बेसिक इसके पार्ट्स क्या है मशीन के, ठीक है, किस तरह से इमेज परफॉर्म करते हैं और पेशेंट की क्या पोजीशन होती है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड सिंपल अल्ट्रासाउंड में क्या आपको डिफरेंस आता है, ठीक है, और उसके अलावा इसके स्पेसिफिक यूजेस जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, फिर जो हमने थ्री स्पेशलिटीज टेक्निक पढ़ी है, ठीक है, ट्रांसरेक्टर, ट्रांसवजाइनल है, ट्रांसएसोफेगियल है, ठीक है, सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप में से किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके पूछ लें। मैम हमारे मेड में सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे कि एसक्यूज भी आएंगे? अच्छा जी बच्चे, बिकॉज अब आपको सर की मेल आई हुई थी कि आपके ऑन कैंपस होंगे, ठीक है, तो चूंकि ऑन कैंपस हैं तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लेंगे उसमें आपके एग्जाम जो है वो सिनेरियो बेस्ड आपको जरूर होगा उसमें, ठीक है, बिकॉज आई थिंक 20% आपका जो है वो मिड टर्म्स है, तो वो एमसीक्यूज होंगे। बेटा नहीं, सिनेरियो बेस्ड का मतलब मैं जो आपको डे वन से समझा रही हूँ वो ये है कि पेशेंट का मैं आपको एक केस दूंगी, ठीक है, और आप उस केस की बेस पे जो है वो मुझे एक्सप्लेनेशन दोगे। जैसे हमने एक्सरे से पढ़ा था कि मैं आपको पूरा एक केस दूंगी कि पेशेंट आया, वो गिरा था, उसके बाद हमने एक्सरे करवाया, एक्सरे इमेज ये चीज शो कर रहा है, अब आप उसको डायग्नोज करें कि ये क्या जो है वो पैथोलॉजी है, क्या नॉर्मलिटी है एक्सरे में, कौन सी साइड का इमेज है ये, ठीक है, इस तरह से आपको डिफरेंट क्वेश्चन उसी से सिनेरियो से रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने सॉरी MCQs और short questions कितने होंगे? बेटा मैं ना एक दो दिन में आपका पैटर्न कंप्लीटली डिसाइड कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे पहले ऐसे लग रहा था कि शायद आपके ऑनलाइन हो, ठीक है, उस बेस से मैंने आपके लिए एक डिफरेंट पैटर्न जो है वो डिजाइन किया हुआ था। अभी ये है कि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये सब मैं इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज बता दूंगी, ठीक है, बट आप जो है वो MCQs और scenario based question दोनों पे जो है वो काम करें, ठीक है। हाँ जी, किसी और बच्चे का वो क्वेश्चन, बेटा लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग कर दिया करें। इसके आई थिंक बेटा आपके अराउंड 22 लेक्चर्स हैं। जी किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है मिड टर्म से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी हो?
नो मैम। चलिए बच्चे ठीक है, फिर आप लोग अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है, बिकॉज आपको देखिए थोड़ा सा और टाइम मिल गया है मिड टर्म्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, तो इसको इतना मुश्किल ना समझें और अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। हाँ जी बेटा, स्पॉटिंग भी होगी, ठीक है, मिड टर्म में नहीं होगी स्पॉटिंग, लेकिन देखिए स्पॉटिंग इज द सेम थिंग, अगर मैं आपको एक एक्सरे शो करूँ और मैं आपसे कहूँ कि भाई ये इसमें क्या नॉर्मेलिटी आप मुझे बताएं, तो ये स्पॉटिंग ही हुई ना एक किस्म की, ठीक है ना। इसलिए आप लोग माइंड में ये रख के पढ़ें कि मैं आपसे जो है वो ये स्पॉटिंग भी आपकी इसी में कंसीडर हो जाती है, आपकी लेबलिंग भी इसी में आ जाती है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि मैं आपको एक एक्सरे दिखाऊं और मैं कहूं कि इसमें आप एबनॉर्मेलिटी बताएं, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं उन रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स को आप लेबल करें या रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स के नाम नीचे लिखें, ठीक है, तो ये आपको फिर इस तरह से बताना हो। लेकिन ये है कि बेटा आपको उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितने लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हुए, ठीक है, जो लेक्चर मटेरियल मैंने आपसे शेयर किया हुआ है उसी को ही आप प्रिपेयर करें, ठीक है, और उसी तरह से ही आपसे क्वेश्चंस किए जाए, ठीक है। आपका आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं होगा, लेकिन जो मैंने आपको डे वन से बताया है सिनेरियो बेस्ड, वो जरा क्वेश्चंस आपको जरा माइंड में रख के पढ़िएगा। बेटा पेपर इजी तो नहीं होता, प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपके क्या मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। जब आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैं अगर मुश्किल वेपर बनाऊँ कि आप सब फेल हो जाए तो मेरा उसमें क्या बेनिफिट है, मुझे बताएं, कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए तो मैं आप सबसे कहती हूँ कि बार बार पढ़ें, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई ऑलमोस्ट 5-7 मिनट्स की वीडियो चला दी है और आप 50 के 50 बच्चे सब सो रहे हैं, किसी को नहीं पता कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। इस तरह से तो बेटा आप लोग ना करें ना। जी आपने सिर्फ लेक्चर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं उसी से ही पढ़ें, ठीक है बच्चों। मैं एक दफा देख लूंगी इंट्रोडक्शन टू द सिटी, कौन से बच्चे हैं, किसी बच्चे को असेस है उस लेक्चर की, किसी बच्चे को नहीं है, बिकॉज मैंने तो दोनों जगह ही अपलोड किया है, ड्राइव पे भी और LMS पे भी। कोई एक स्टूडेंट जिसको लेक्चर की असेस हो जरा हैंड रेस कर दें प्लीज। ये फिर आपके LMS का कोई प्रॉब्लम है, चलिए मैं एक दफा आपको ना मेल कर देती हूँ, दोबारा से उसको डाउनलोड करके आपको मैं मेल कर देती हूँ लेक्चर की जो आप लोग कह रहे हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स बेटा, ये आपका यूनिवर्सिटी का LMS जो है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े जिन लेक्चर्स के अंदर इमेजेस आ जाते हैं ना वो फिर LMS के ऊपर ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इंस्ट्रक्शन होती है कि आप LMS पे भी बच्चों से शेयर करें और ड्राइव के थ्रू भी शेयर करें, ठीक है। इसीलिए ही हम आपसे ड्राइव के थ्रू भी शेयर करते हैं और LMS के थ्रू भी शेयर करते हैं। तो जो आपको लेक्चर LMS पे नहीं मिल रहा होता, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, वो आप लोग एक दफा ड्राइव पे देख लिया करो। कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे कि जो सारे इमेजेस हैं बेटा जो मैंने आपको सिटी में, आप अगर रिकॉर्डिंग देखें लेक्चर देखें, मैंने आपको बताया था उसमें स्पेसिफाइड पॉइंट्स बताए थे, मैंने आपको कहा था कि आप लोग एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर इतने पॉइंट्स याद रखने तो वो क्वाइट एनफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप उतना ही याद कर लें तो आई थिंक इट वुड बी क्वाइट एनफ फॉर ऑल, ठीक है बच्चों। अब मैं क्लास एंड कर देती हूँ, बेटा जितने इमेजेस मैंने आपको पढ़ाए हैं एक दफा लेक्चर खोलें, ठीक है, उसके साथ आप रिकॉर्डिंग खोलें, उन इमेजेस के अंदर से जो पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा है सिर्फ वही पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो पॉइंट्स मैं आपको कहती हूँ कि एक्सक्लूड कर दें वो पॉइंट एक्सक्लूड कर। ठीक है बच्चों, आप में से किसी और को क्वेश्चन होगा तो फिर आप लोग मुझे मेल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।